सेंगोल एक पवित्र राजदंड इसकी जड़ें तमिलनाडु में प्राचीन चोल राजवंश से मिलती है जहां यह शाही सत्ता हस्तांतरण के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है हालांकि इसका महत्व केवल राजनीतिक अधिकारों से परे है यह भारतीय सभ्यता की परंपरा में नैतिकाध्यात्मिक प्राधिकरण या धर्मदंड का प्रतिनिधित्व करता है चोल वंश के इतिहास में सेंगोल ने एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक प्रतीकात्मक साधन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यह परंपरा गुरु या दरबारी पुजारी द्वारा की जाती थी जो नए सम्राट के लिए दैवीय स्वीकृति का प्रतीक था भारतीय संस्कृति में राजाओं और रानियों को परम सत्ता के रूप में नहीं माना जाता था धर्मदंड का प्रतीक सेंगोल का इस्तेमाल राजाओं को यह याद के लिए दिया जाता था कि सर्वोच्च सत्ता धर्म नैतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था थी राज्याभिषेक की रस्मों के दौरान पुजारी सेंगोल का उपयोग यह दावा करने के लिए करता था कि दंड देने की अंतिम शक्ति धर्म के पास है न कि राजा के पास सेंगोल का भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में एक विशेष स्थान था 1947 में अंग्रेज़ों से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था इस अधिनियम ने स्वशासन की शुरुआत और भारत के लोगों को सत्ता के हस्तांतरण का संकेत दिया सेंगोल भारतीय सभ्यता की परंपरा का भी प्रतिनिधि है जिसमें यह नैतिकाध्यात्मिक अधिकार धर्म दंड को दर्शाता है संसद में सेंगोल की स्थापना को ऐतिहासिक निरंतरता और राष्ट्रीय गौरव की पुन पुष्टि के कार्य के रूप में देखा जा सकता है संसद भवन में सेंगोल की उपस्थिति भारत के अतीत की एक कड़ी के रूप में काम करेगी जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को याद दिलाएगी